मैसेज पहुंचाते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, जीवन में ये सब भी जरूरी है। पहली गेंद फुल टॉस और सुनील के बल्ले से करारा प्रहार, मिलेंगे 6 रन। गाजीपुर बैटिंग करा थी यासर भाई, बॉल को वापस भेज दे, बॉल को वापस ग्राउंड में पास करेंगे तो गेंदबाज जीतू तिवारी। आज काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए हमारे आसिफ भाई, मुझे लगता है कि जीवन में पहली बार इतना मुस्कुराए होंगे लाइव करते वक्त। और हमारे जफर एंजेड भाई जो लाइव कर रहे हैं, जफर भाई आपको मैं सलाम करता हूं, आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपने एक पल के लिए भी अपने कैमरे के पास से हटे नहीं है, काफी महंगे फोन से वो लाइव कर रहे हैं। हेलो, वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। और 4 गेंदों में 4 बाउंड्री के बाद इसमें सिंगल आता हुआ, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा था लेकिन सही समय पे पहुंच गए। डग आउट का माहौल देखे सिकंदर 11 गाजीपुर का, अगर डग आउट की तरफ आप इशारा करें, डग आउट की तरफ आप नजर दौड़ाए तो आप नजर दौड़ा के देख सकते हैं कितना बेहतरीन माहौल डग आउट में बना हुआ है, क्योंकि 4 गेंदों पे 4 बाउंड्री, छक्का छक्का फिर चौका फिर छक्का और उसके बाद एक सिंगल आता हुआ। और इस मुकाबले को जो टीम जीतेंगे उनका सामना होगा अवध 11 गाजियाबाद से, जो कि महताब भाई की टीम लोकेश चाइना का प्रतिनिधित्व में वो पूरी टीम आपको नजर आएंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन का टीम। इस वक्त सुनील यादव काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे एंड से अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो अनिल यादव है और 1 रन आसानी के साथ 2 रन भी पूरा कर लेंगे, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट।
अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन, दो रन पूरा किया, दो के साथ पहला ओवर संपन्न। एक ओवर के बाद 25 बगैर किसी नुकसान के सिकंदर 11 गाजीपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इससे अच्छा स्टार्ट का आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिली है। कुछ इसी प्रकार स्टार्ट किया था राहुल 11 सीतापुर के बल्लेबाज रजत सिंह। इस टीम के ऑनर अजीज और रहमान भाई से काफी खुश नजर आ रहे होंगे अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, एक ओवर 25 रन, बहुत अच्छा, एक ओवर 25 रन, इससे अच्छा शुरुआत नहीं हो सकता किसी टीम के लिए। भैया छोटा फॉर्मेट में पहले ओवर में आ जाए 25 रन आपके सुनील यादव से बल्लेबाज चार्ज हो जाए, क्योंकि बल्लेबाज आपने बहुत बड़े बड़े आज देखे जरूर, लेकिन जब दिन खराब होता है बल्ले पे गेंद नहीं आती है तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी कई बार जीरो पे आउट हुए हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी संकेत अगर देखी जाए सिकंदर 11 गाजीपुर के नजरिए से, तो वो थोड़े से खुश होंगे कि सुनील यादव का बल्ला चल रहा है, गेंद उनके बिल्कुल ही मिडिल पे जाके टकरा रही है बल्ले के, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत दिया। और जिस तरीके के बल्लेबाजी की है गेंदबाजों के लिए खतरों की घंटी दिखाया इन्होंने। तो इस तरीके से एक अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद ऑफ साइड में खेला, एक रन पूरा किया। भाई गाजीपुर बैटिंग कर रही है, मैं अभी प्लेइंग। तो इस तरीके से एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 26 बगैर किसी नुकसान के, अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है सिकंदर 11 गाजीपुर के। खेमा काफी इस वक्त खुश दिखाई देता हुआ, जफर एनजेड बीडीपी लाइव और काशबा माहौल आसिफ भाई के द्वारा इस वक्त अंबानी भी देख के इनको काफी खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने उनकी छतरी का भी बहुत अच्छा प्रचार किया है। भाई ज्ञानेश्वर नहीं खेल रहे हैं। इस पिच बेहतरीन शॉट, काफी खूबसूरत चार रन कवर बाउंड्री के बाद। अब तक तो सुनील यादव चार से बल्ले, लेकिन अब सुनील यादव के बल्ले से चौका आता हुआ। अनिल यादव के बल्ले से यह करारा प्रहार, साला कलिया इतना बढ़िया कुर्सियां रही ना वहीं जाए फिट हो। इसी बीच गेंदबाजी के लिए आकाश आए हैं और इस बीच एक और बेहतरीन गेंद लेग स्टंप से भटकते हुए वाइड का इशारा आता हुआ। गति में कोई कमी नहीं मगर लाइन को नहीं पकड़ पाए, अतिरिक्त शॉट एक रन का इजाफा होता हुआ। और इस एक रन के साथ अतिरिक्त सात स्कोर बोर्ड पे एक रन जुड़ता हुआ। फिर से आकाश के सामने होंगे बल्लेबाज अनिल यादव, अनिल यादव के लिए चलेंगे आकाश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। भाई अभी खूबसूरत, जितनी बार देखे आप इस शॉट को एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। क्या ये बेहतरीन शॉट है, कवर के एक्स्ट्रा कवर के सीधे रीजन में खिला इस शॉट को चार रनों के लिए। दोनों बल्लेबाज चार्ज हो चुके हैं, डग आउट से सेट होके आ चुके हैं, मानो ऐसा लगता है डग आउट से मानो सेट होकर आए हैं। ओ माय गॉड, एक और लगातार चौके और छक्कों की बरसात हो रही है, गेंद नीचे जमीन पर रहने की नाम ही नहीं ले रही है, लगातार हवाई यात्रों पर सैर कर रही है। तरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला, सुनील पाक पाक तो अनिल डाल डाल। 41 विदाउट लॉस, मात्र दूसरा ओवर 41 बगैर किसी नुकसान के, अब तक का सबसे अच्छा स्टार्ट, इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा स्टार्ट। भैया नेटवर्क अभी वाईफाई लाइट कट गई थी, वाईफाई बंद हो गया, अभी वाईफाई आता है तो बताता हूँ आपको प्लेइंग 11। दोनों गेंदबाज अगर बात करें चाहे वो गेंदबाज जीतू हो या फिर आकाश,
महंगे साबित हुए और यहां पे जाके लगी है सीधा कैमरा मैन के ट्राइपॉड पे। तो बल्ले से ये एक रन आसानी से मिलता हुआ, बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लिया था और बिल्कुल ये शॉर्ट फाइन लेग पर जो खिलाड़ी मौजूद है उनके बगल से चालू ट्राइपॉड लगे, उस पर गेंद लगी है समोता, अगर शायद वहां से निकल जाती गेंद तो चौके में तब्दील हो सकता था। भैया यार चालू लाइटिया कटी थी तब बंद भाई है। हाँ तो कहाँ आई लाइट क्या हाय ना ये तो हो तो चालू हो है ना वाइफ भैया अंदरवा है कैसे कहें पहले नहीं उसे कनेक्ट कर बैक कॉल दिया डाउन में जैसे। ये देखिए फुल टॉस गेंद सम्मान दिया इस बार सुनील यादव ने, हालांकि गेंदे खराब थी बड़े प्रहार हो सकते थे लेकिन सुनील यादव देख जान रहे हैं कि कितने जो ये विकेट है वो कितनी अहम है, तो जान रहे हैं कि दो ओवर में जो रन चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा आ चुका है, तो जान को जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार बल्लेबाजी करते हुए फुल टॉस गेंदों को भी सम्मान दिया उन्होंने, आखिरी गेंद थी तो इस तरह से दूसरा ओवर संपन्न। अगर दो ओवर की बात का मैं स्कोर बोर्ड का रन बताना चाहूं तो स्कोर बोर्ड पे रन है 42 इस ओवर से, यानी कि 17 रन आए हैं पहले ओवर से 25 और इस ओवर से 17, तो कुल दो ओवर के बाद 42 बगैर किसी नुकसान के। अब बल्लेबाजी हुई है, अब तक दोनों छोर से ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात हुई है। अगले गेंदबाज है रवि कोहली, गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज के रूप में रवि कोहली आ रहे हैं। बिल्कुल मत रोकिए भाई, इस वक्त हमारे बीच कुलदीप सिंह विधायक प्रतिनिधि सुल्तानपुर जो कि दिल्ली से इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और इस वक्त हमारे बीच काफी समय से घंटों से बैठ कर पल पल का मजा ले रहे हैं, एक एक गेंद का मजा ले रहे हैं, वही हमारे मंच पे काफी गणमान्य व्यक्ति मौजूद है वो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि यह कितना बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी बड़ी दिग्गज सितारे टेनिस के स्टार यहां पे पहुंच रहे हैं अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं और 2.5 लाख के लिए इस कड़कती धूप में काफी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे गेंदबाज के रूप में रवि कोहली आए हैं। उनके सामने अनिल यादव, लीजिए मेशफील्ड और मिलेगा चार। ये गेंद रुकनी चाहिए थी, यहां पर रन थे नहीं और चार रन दे दिया है फील्डर ने। एक तो ऐसे ही रन जो है एक अंबार सा विशाल सा स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी लूज फील्डिंग हुई है और चार रन मिला है। अगर इस तरीके के मौके देंगे आप बल्लेबाज को तो फिर मनोबल उनका बढ़ता जाएगा, बड़े बड़े शॉट आते रहेंगे। ये अच्छी गेंद है, ऊपर की गेंद थी, इस बार थोड़ा सा उंगलियां फिरा था गेंदबाजों ने और जिसका कारण कि वहां पे बल्लेबाज भाप नहीं पाए, गति अगर देखे तो ज्यादा गति भी नहीं था और ज्यादा धीमी गति से भी गेंद नहीं डाली थी, बिल्कुल मीडियम पेस डाला था बॉल को, फिंगर का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी बॉल ज्यादा टर्न ली जिसके कारण सफल हुए बल्लेबाज, लेकिन एक रन मिल गया आसानी से। और एक रन के साथ अगर स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर बोर्ड पे धीरे धीरे रन बढ़ता हुआ, धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तीसरा ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ, पावर प्ले का मुकाबला चलता हुआ, पावर प्ले में अगर आप 50 तक पहुंच जाते हैं विकेट नहीं गिरते हैं भैया, इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है। ये सुनील यादव है, इनको आप बार बार फुल टॉस नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ ये देखिए बाय वन गेट वन नो बॉल 7 रन। आज 16 तारीख है, आप जब आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो आज दिवाली का ऑफर का आखिरी दिन है, आज भी बाय वन गेट वन है और नो बॉल के साथ 85 के आंकड़े को पार कर लिया है साथ ही साथ छक्के के साथ, तो फ्री हिट बॉल होगा अगला बॉल। तो 54 रन, अगला बॉल फ्री हिट और इस बीच हवा में गेंद मिड विकेट और वाइड स्लॉन्ग वन के बीच में, यहां पे आप कैच आउट नहीं हो सकते हैं, क्लीन बोल्ड नहीं हो सकते हैं कि रन आउट तो हो सकते हैं। इस तरीके से फ्री हिट पे कोई बड़ा शॉट नहीं आया, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन बगैर किसी नुकसान के, पावर प्ले का यह आखिरी ओवर चलता हुआ, बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिलता हुआ, इससे अच्छा स्टार्ट की आप कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले बल्लेबाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट है, अगर यहां से विकेट भी गिरते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए
काफी आसानी होगी बल्लेबाजी करने में। एक बल्ला तेज और घुमा, बैट और बॉल में कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। गेंद डॉट बनाता होगा, बल्लेबाज से काफी दूर रखा गेंद को, और इस बार लेंथ भी थोड़ा सा खींच के रखा, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, चेंज ऑफ पेस, इस बार थोड़ा सा गति को कम दिया। वहीं पे बल्लेबाज पेट कर गया फिर से अगली बॉल लेकर। रवि कोहली लेकिन यह फुल टॉस गेंद है, ऐसे गेंदों के लिए इंतजार में है, चाहे वो सुनील यादव हो चाहे वो अनिल यादव हो। और जर्नी ऐसे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा, अभी भी इंतजार है हमारे बॉक्स के तरफ की क्या ये चौका है या फिर छक्का है। छह रनों का इशारा आता हुआ, तो इस तरीके से एक और बेहतरीन सिक्स दोनों छोर से कुटाई जा रही है। सुनील यादव अनिल यादव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यादव की कॉम्बिनेशन काफी बेहतरीन। सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर की वो जोड़ी याद आती हुई। इस बार किनारा लिया है फसली पे खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील किया, रन नहीं मिलेंगे। और डॉट के साथ ओवर संपन्न, तीन ओवर के बाद अगर मैं स्कोर की बात करूं तो तीन ओवर के बाद बोर्ड पे रन लग चुके हैं 61, तो इस ओवर से आ गए हैं कुल 19 रन। पहले में 25, दूसरे में 17, तीसरे में 19। पावर प्ले का खेल संपन्न, कोई विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ है, दोनों बल्लेबाजों ने तीन ओवर में 61 रन बना दिए हैं। तीन ओवर में बता दूं कि इस वक्त आप देख रहे हैं तालुकदार इंटर कॉलेज कप, जिसका विजेता प्राइज 251,000 रुपए, उप विजेता प्राइज 151,000 रुपए। लेकिन अगर मैं बात करूं इस उत्तर प्रदेश की, तो महताब अवध 11 जो कि एक बहुत बड़ी टीम है भारत में उन्होंने अपने टीम के साथ काफी अच्छा वर्क किया है, और साथ ही साथ अब एक टूर्नामेंट लेके आए हैं, अवध उतरौला क्रिकेट लीग 2023, जो कि 6 फरवरी से यह टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 4,00,000 रुपए, वही अगर द्वितीय पुरस्कार की बात की जाए तो 2,00,000 रुपए, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज रखे गए 50,000 रुपए। वही इस टूर्नामेंट में 16 टीम प्रतिभाग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, 16 टीम उस टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उतरौला की धरती पे एक अवध उतरौला क्रिकेट लीग 2023 में 6 फरवरी से भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो कि मेहताब भाई की अगुवाई में यह टूर्नामेंट, जो कि 6 फरवरी को आगाज होगा। इसी बीच एक और अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, गेंद वहां से जब तक की फील्ड की जाती, एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड चलता हुआ। और यहां पे एक अच्छी बात है कि दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौके छक्कों पे ही बिलीव नहीं किया है, जैसे जैसे समय मिला है, वक्त मिला है, सिंगल डबल भी उन्होंने खेला है, और यही एक बड़े बल्लेबाजों की निशानी होती है। और प्रेशर रिलीज करने का ये एक बहुत आसान तरीका है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, अगर स्ट्राइक रोटेट होता रहता है, भले ही चौके छक्के ना आए, अगर स्ट्राइक रोटेट होता रहता है तो गेंदबाज को प्रेशर दिखता है, लेकिन यहां पे स्ट्राइक भी रोटेट हो रहा है और बड़े शॉट भी आ रहे हैं। सभी अगर पूरे फॉर्मेट के नजरिए देखा जाए तो सब कुछ अच्छा होता हुआ यहां पे सिकंदर 11 गाजीपुर के लिए। स्लो डिलीवरी, बैक ऑफ लेंथ की गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाई शॉट को, नीचे खिलाड़ी मौजूद और मिल जाएगा पहला विकेट। बहुत अच्छी साझेदारी, बहुत बेहतरीन साझेदारी, आखिरकार जाना पड़ेगा अनिल यादव को डग आउट की तरफ, और यह एक सफलता। जैसे ही चौथे गेंदबाज आनंद बघेल को बुलाया गेंदबाजी के लिए और एक सफलता दिलाया है, पहली विकेट की तलाश में थी टीम एमएम स्पोर्ट कटनी मध्य प्रदेश, वो पहला विकेट मिल गया है और अनिल यादव को जाना पड़ेगा अब डग आउट की तरफ। तो ये 62 के स्कोर पे पहला झटका लगा है, 62 रनों की एक बेहतरीन पार्टनरशिप अनिल यादव और सुनील यादव के बीच में, लेकिन सुनील यादव को छोड़कर अनिल यादव अपने डग आउट की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि डग आउट से एक जोरदार ताली हो इस साझेदारी के लिए, 62 रनों की साझेदारी, स्वागत होनी चाहिए अनिल यादव की डग आउट में, क्या बेहतरीन साझेदारी निभाया है, दोनों छोर से अटैकिंग मूड में बल्लेबाजी हुई है।
भाई यहाँ पे एक विकेट मिला है, वापसी किया इस वक्त एमएम स्पोर्ट कटनी मध्य प्रदेश। देखना होगा कि मोमेंटम किस तरीके से अपने तरफ शिफ्ट करते हैं। एक छोटा सा मोमेंटम जरूर मिला है, पहला विकेट इनको मिल गई है। वही नए बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो आपको नए बल्लेबाज के रूप में दीपक जो कि पिच पे मौजूद हो रहे हैं, और जैसे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज जैसे ही आउट हुए अनिल यादव, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज ही गए जो कि दीपक जो कि गंभीर के नाम से जाने जाते हैं, गौतम गंभीर के बहुत बड़े फैंस हैं, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इस वक्त तो उनको इससे अच्छा मंच नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, सेट है, तैयार है। ओ माय गॉड, बैक टू द बॉलर चांस बना था, वहां पे गेंदबाज गवा दिए आनंद बघेल। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी, जहां पे लगातार 30 रन के रन रेट से चल रहे थे सिकंदर 11 गाजीपुर, वहां पे थोड़े से रनों पे ब्रेक लगा दिया है। यह ओवर काफी अच्छा घटता हुआ, अगर आप एमएम स्पोर्ट कटनी के नजरिए से देखें तो बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ। फिर से चलेंगे गेंदबाज आनंद बघेल इस टूर्नामेंट में, और जितने भी टीम विजेता बनेगी सभी को महिमा बेकरी की तरफ से 1 kg का केक दिया जाएगा। मीडियम में गले इस बार कुछ अलग करने गए और अलग अलग के साथ सफल भी हो गए। रिवर्स स्वीप 4 रन, देखिए 360 डिग्री यहां पे बल्लेबाज है। 11 गेंदों में 36 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुनील यादव के पहले वाला 360 डिग्री चारों दिशाओं में शॉट लगाते हुए सागर मध्य प्रदेश ये टीम। गेंदबाज कोई भी हो सुनील यादव को फर्क नहीं पड़ रहा, हालांकि ये ओवर काफी अच्छा घट रहा था। आनंद बघेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन उनको भी यहां पर चौका लगा दिया है रिवर्स शॉट में। तालुकदार इंटर कॉलेज कप केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह आज तीसरे दिन का मुकाबला चलता हुआ, तीसरे दिन का यह चौथा मुकाबला, इसके बाद आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सिकंदर 11 गाजीपुर वर्सेज एमएम स्पोर्ट कटनी के बीच यह मुकाबला चलता हुआ, जो टीम इस मुकाबले को जीतेंगे वो अवध 11 गाजियाबाद से क्वार्टर फाइनल के भिड़ेंगे, आखिरी क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगे इस मुकाबले के। सीतापुर मध्य प्रदेश, इस तरह से एक और रन आता हुआ इस एक रन के साथ। सीतापुर सुल्तानपुर सागर तक 4 ओवर हुए, लगातार 4 गेंदबाजों का प्रयोग किया है एमएम स्पोर्ट कटनी मध्य प्रदेश, अब तक सबसे सफल ओवर रहा है। अगर ये जिस तरीके से रन रेट चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो इस ओवर से एक विकेट भी आई है और इस ओवर से कुल 7 ही रन आए हैं। ओवर संपन्न हो गए हैं, इस ओवर से 7 रन आए हैं तो कुल 4 ओवर के बाद 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पे काफी अच्छा स्टार्ट मिला है। और ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, जब तक कि 5वें ओवर की पहली बॉल डाली जाए। हमारे साथ माइक्रोफोन पे जुड़ेंगे गुड्डू भाई, बीपीएल कमेंटेटर, काफी अच्छे अंदाज में शायराना अंदाज में कमेंट्री सुनाएंगे आप लोगों को अगले 4 ओवर के लिए। चलिए माइक्रोफोन पे आएंगे गुड्डू भाई, बहुत शुक्रिया। तो इतना गाजीपुर जिस तरह से खेल रही है, यकीन इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदारों में इनका नाम शामिल किया जा सकता है। स्कोर इस समय है 4 थोड़ा सा कुछ दिक्कत है वहां पे। तो 5वां ओवर प्रगति पे स्कोर है 69 रन, 5वां ओवर चल रहा है, 69 रन बन चुका है। टीम गाजीपुर की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त टीम, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी, बूस्ट 9 स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुनील बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के खेल का जलवा जो है यूएई में जैसे देशों में भी देखा जा चुका है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी गाजीपुर की इस बार गंभीर के बल्ले से, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए जितनी भी प्रशंसा की जाए गाजीपुर के सभी खिलाड़ियों की कम। और इस टीम के ऑनर आशीष रहमान का, जिन्होंने बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया है, बहुत अच्छी टीम का
निर्माण किया और 75 रन पे पहुंच चुका है स्कोर। पांचवा और प्रगति पे सुनील इस समय 13 गेंदों पे 38 रनों की पारी खेल के खड़े हैं। एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी आज मौका। बहुत शुक्रिया भाई औरंगजेब भाई, गाजीपुर का प्लेइंग 11 मेरे पास है, बड़ी इनिंग खेलने का मेरे पास है नहीं, और जिसको भी देखना हो एक और लंबा शॉट लगाने की कोशिश। क्रिक हीरोज पर TIC कप बाराबंकी के नाम से टूर्नामेंट रजिस्टर है, आप वहां पर देख सकते हैं भाई। कोचिंग फ्रॉम पूरे मचा रहा है बंधुवर आपका। अरे भैया गौरव पांडे भैया आपका बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का मजा पेश करते हुए इस समय अजीजुर रहमान भाई की टीम जलवा बिखेरती हुई ग्राउंड के चारों तरफ जबरदस्त स्टोक लगाई है इन दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर सुनील यादव ने काफी प्रभावित किया अपने खेल से। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह सुनील यादव, सुनील यादव का धमाल, धमाल की बल्लेबाजी। स्कोर में तेजी कर रहा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रनों पे जा पहुंचा, पांचवा ओवर प्रगति पे है। गेंदबाज की जमकर भज्जिया उड़ाते हुए उस्मान पटेल कहां है ये भाई, सुनील यादव बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, पूर्वांचल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा सुनील यादव। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी खिंची हुई थी, उसे रक्षात्मक तरीके से खेलकर एक रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति चालू भाई, आजमगढ़ वाला टूर्नामेंट हो सकता है 25 तारीख से, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 25 तारीख से चालू हो जाएगा। स्कोर है 83 रन एक विकेट के नुकसान पे, 45 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे इस समय बल्लेबाजी कर रहा है सुनील यादव। और बता दूं कि गाजीपुर के खिलाड़ियों से कि उनके टीम के साथी क्रिकेटर और गाजीपुर के जिन भाइयों को भी फेसबुक ने फ्री स्टार दिया है वो भेजते रहे भाई। सुनील यादव अपने आठ सदस्य से काफी नजदीक, हाँ भैया अनुज भाई हैं, अनुज भाई आए थे मुलाकात किए हैं। पवन भाई हमारे गाजीपुर का धन्यवाद, पूरा पूर्वांचल इस समय टीम का दीवाना बना हुआ है भाई। इससे पहले प्रीमियर लीग के फाइनल में उतर रही है टीम इस समय बाबू सिंह स्टेडियम में अपना जलवा बिखेरती हुई। हेलो कमाल काफी मजारा पेश करती हुई इस समय टीम, बहुत ही लाजवाब खेल का मजारा पेश करती हुई। और बता दो कि गाजीपुर के टीम के साथी क्रिकेटर हमारे देश के इंडियन आर्मी बड़े भाई सर्वेश यादव इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। यह हेलो इस समय सर्वेश यादव जी इस मुकाबले को देख रहे हैं और ये फक्र का लम्हा है कि वो इंडियन आर्मी में अब
अपनी सेवाएं दे रहे हैं और टीम के लिए मुबारकबाद। हेलो, एक और बढ़िया शॉट इस बार दीपक के बल्ले से। सीआरपीएफ के जवान बड़े भाई सर्वेश यादव तो जरूर इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं। सर्वेश यादव जी मुबारकबाद दे रहे हैं अपने टीम को। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, ओवर की समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 90 रन गाजीपुर का, सिकंदर 11 गाजीपुर। बहुत ही बढ़िया शॉट है, इसी के साथ सुनील यादव के और शतक पूरा होता हुआ। सभी दर्शक तालियों से स्वागत कर दें, सभी दर्शक ग्राउंड की जितने भी चारों तरफ है, इससे आपके शहर की गरिमा बनी रहेगी। बहुत बड़ा दिन ये टेनिस क्रिकेट के लिए। सुनील यादव इस समय सर्वेश यादव जी 6 छक्के 2 चौके के साथ 21 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर खड़े हैं सुनील यादव जी। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी सुनील यादव, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, पूर्वांचल का शेर इस समय केडी सिंह बाबू स्टेडियम में धारता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी इस समय पूरा गाजीपुर इस समय खुशियां मनाता हुआ। मनाए क्यों ना, एक उनकी टीम इतनी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई। स्कोर में जा पाता, स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 102 रन पे जा पहुंचा। टीम का स्कोर 102 रन पे पहुंचा और भी सुनील यादव मैदान पे मौजूद है। इस बार पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। सातवां प्रगति पे है, स्कोर है 102 रन। बहुत अच्छा लगता है जब सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी के इस टूर्नामेंट से जुड़े, उन्होंने मुबारकबाद दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश भाई, आप इस मुकाबले को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए सपोर्ट में आप वहां से लगातार इस टूर्नामेंट से बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच लंपायर का इशारा, नो बॉल फ्री हिट। एक तो नीम के ऊपर करेला, यानी एक तो वैसे भी स्कोर इतने बढ़ रहे थे, उसके बाद आपने नो बॉल कर दी, तो फ्री हिट मिल गया यहां पे बल्लेबाज को। एक बड़ा मौका है एक बड़ा शॉट लगाने का। बल्लेबाज दीपक, मौका है इनके पास अपने बाजू को खोलने का, एक लंबा स्ट्रोक लगाने का। गेंदबाज चले लंबे कद के, तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, आप इस टिप से पटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर नूर भाई के द्वारा, जो कि मेन अंपायर की भूमिका में है। रन चले एक बार फिर से
जोरदार अपील, लेकिन विकेट कीपर को भूलना नहीं चाहिए कि ये फ्री हिट था। फ्री हिट का मतलब होता है जीवन दान, सुरक्षा कवच। उस गेंद पर सिर्फ रन आ सकते, विकेट नहीं आ सकता, रन आउट को छोड़ दिया जाए तो। वाह भाई वाह, इसके बाद लास्ट मैच होगा भाई, इसके बाद गाजीपुर ने तहलका मचा दिया है। बहुत ही जबरदस्त टीम, स्वागत है ऐसे टीमों का। प्रत्येक टूर्नामेंट में ऐसी टीमें आनी चाहिए ताकि टूर्नामेंट की लोकप्रियता वो बढ़े। इसे मैं देख सकते हैं टीम के ऑनर अजीजुर रहमान के चेहरे पे खुशियों की मुस्कुराहट। बहुत ही बढ़िया शॉट नहीं कहा जा सकता, हवा में खतरा हो सकता था, लेकिन फील्डर के पहुंच से काफी दूर। इसी दो रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन, 107 रन, छठा ओवर प्रगति पे है सिकंदर 11 गाजीपुर। तो सिकंदर 11 की टीम इस समय सिकंदर की तरह खेलती हुई। सात ओवर प्रगति पे, हवा में गेंद, खतरा हो सकता है और आसान सा कैच गिराया वहां पे। हेलो, तो ओवर की समाप्ति, सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 107 रन, एक विकेट के नुकसान पे। हमारे सीआरपीएफ के जवान सर्वेश भाई मुकाबले को देख रहे हैं, तो उनके लिए छोटी सी लाइन उनके सम्मान में कि अजब दुनिया है ये, कि अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है। अजब दुनिया है ये, तितली के भी पर नोच लेती है, और अजब तितली है पर नोचने पर भी रोया नहीं करती। और शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बिल्कुल कभी पैदा नहीं करती। तो स्वागत है सर्वेश भाई आपका, लगातार इस टूर्नामेंट से बने रहे, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश के जवान इस टूर्नामेंट से जुड़ते हैं, वाकई दिल खुश हो जाता है, बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच आठवां ओवर लेकर आए गेंदबाज, अंकुर सिंह की टीम हार गई भाई। नए गेंदबाज अंकित, 1/47। ये जानकारी दी है सामने बल्लेबाज सुनील यादव। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, सुनील अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, विदेशों में भी इनके खेल का जलवा देख चुके हैं लोग। इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ की डेविड थी, उसे खेलना था तैयार साइड के क्षेत्र में, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लेकर वहीं पर गेंद फंसी, गेंद को जब तक फील्ड कर की जाती, दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए एक रन पूरा कर लिया। तो स्ट्राइक पर वहां बल्लेबाज गोलू, मौका है इनके पास हीरो बन जाने का। हालांकि सुनील ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, काफी प्रभावित किया है अपने खेल से। हाँ भाई बढ़िया है, दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से नेम लिस्ट हमारे पास आई है, गाजीपुर में दो ऐसे गेंदबाज भी गेंदबाजी करेंगे जिन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस कहा जाता है, अंकित सिंह कलकी और अनुज, एकदम ग्लेन मैकग्रॉथ की तरह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के मैकग्रॉथ कह सकते हैं उनको। इसी बीच बढ़िया शॉट साइड स्क्रीन के पास, बढ़िया प्रयास किया फील्डर ने और निश्चित रूप से एक रन, तीन रन बचाए। तो अंकित सिंकल की पूर्वांचल एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश के ग्लेन मैकग्रॉथ कहे जाने वाले अनुज, अभी थोड़ी देर बाद आप किसी पिच पे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी है टेकिंग इनकी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाज, एक से बढ़कर एक। तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। आप तो से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर नूरुल हसमत के द्वारा, नूरुल हसन, माफ कीजिएगा नजरुल हसन, नजरुल हसन। मैं बता दूं इनके बारे में कि आज इनका जीवन का ये 200वां वनडे मैच है और
200 का जो मैच का आंकड़ा है वो आज पार कर लेंगे। इसके बाद एक मैच और होगा भाई। में आज इनकी मोहब्बत में 200 लास्ट क्वार्टर फाइनल जो महिमा चौधरी की सॉरी महिमा बैकरी की तरफ से आज एक केक कटेगा उस पे 200 विकेट लिखा होगा। तो महिमा बैकरी वाले से गुजारिश है कि 1 किलो का केक भिगवा दें ताकि आज अंपायरों के बारे में भी कुछ सोचे। आज अंपायर अपने हाथ से काटेंगे आज नूरुल नजरुल भाई अपने हाथ से काटेंगे 200 अंडे। मैच चुनका हो गया आज। आइए तो हित भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब कुल मिला केक कटी चाहे जितना कुछ तो महिमा बैकरी से गुजारिश है कि व्यवस्था करा दे हमारे अंपायरों के लिए। भोजपुरी वाले अपने लंबे तेज गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज नहीं कही चाहत रही है। वाह भाई वाह स्विच हिट करने की कोशिश की और एक रन लेने में कामयाब हो गए बल्लेबाज सुनील यादव क्रिकेट के दुनिया का नया हीरा यकीन मानिए इस बल्लेबाज की तूती यही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे इलाकों में बोलती है जहां गेंदबाजों का बहुत बड़ा भंडार है। मुंबई महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम। खूबसूरती के मामले बता दे तो ये फेसबुक लूट रखा है इस खिलाड़ी ने। एक से बढ़कर एक पोस्ट देखते रहेंगे और फैन फॉलोअर की संख्या बहुत ही अधिक। हर चीज ना है भाई। बहुत ही बढ़िया शॉट बहुत ही बढ़िया शॉट लाजवाब बल्लेबाजी अंपायर का डिसीजन 4 रन। वाह सुनील भाई वाह दिल जीत लिया दर्शकों का आपने। 316 स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन। संभवतः अंतिम गेंद इस इनिंग की और स्कोर बोर्ड पे 116 रन। उसके बाद गेंदबाजों की लिस्ट देखिए भाई साहब तो एक से बढ़कर एक गेंदबाज तो कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। पैसा वसूल मैच है ये। बॉल मुहैया करा दें यार शेयर वेयर करिए भाई आप लोग यार हाँ तो कहा करा ना हरदम यकीन मानिए बल्लेबाज की टूटी यही बाहर करा रहा शायद हालांकि फिल्टर वहां मौजूद और एक रन को संभवतः 2 रन में कन्वर्ट किया। ये क्वालिटी होती है खिलाड़ी की। तो टोटल स्कोर 118 रन जीतने के लिए MS स्पोर्ट कटनी को 119 रनों की जरूरत। 119 रन का टारगेट। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैच से जुड़े रहे थैंक यू वेरी मच। हसीब भाई आगे थोड़ा सा आप इसको ठीक कर देंगे। हसीब भाई हसीब भाई हसीब भाई आगे स्कोर ठीक कर देंगे जी हाँ नेक्स्ट इनिंग के लिए ही। लक्ष्य रखा 100 स्वागत है आप तमाम दर्शकों का इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में और लाइव से जुड़े सभी दर्शकों को जो घर बैठे अपने सोफे पे और बेड पे आराम कर रहे हैं और वहां से मैच का आनंद ले रहे हैं सभी का स्वागत है इस तालुकदार इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में जो कि बिल्कुल ये टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ ये पहले राउंड का आखिरी मैच है
और इसके बाद अब सेकेंड राउंड का आखिरी मैच भी आज ही होना है, फिर आप थर्ड राउंड में प्रवेश करेंगे जहां पे आपको सेमीफाइनल के दो मुकाबले देखने को मिलेंगे। तीन टीमें सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है, अब चौथे टीम की तलाश है। तीन टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है उसमें मैं बता दूं कि आज जो टीम थर्ड टीम बनी है वो एक सतना की टीम है, सतना मध्य माफ करेंगे सागर मध्य प्रदेश की टीम है, जिन्होंने आज दो बड़ी टीम को हराकर फाइनल सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई किए हैं। पहले रायगढ़ मुंबई को हराया, फिर उसके बाद बरेली के टीम को हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई वो टीम। और जो इसके पहले जो दो सेमीफाइनलिस्ट टीम है वो राहुल इलेवन सीतापुर और दूसरी टीम जो है वो ईशान इलेवन सुल्तानपुर। ये तीन टीमें जो कि पहला सीतापुर है, दूसरा सुल्तानपुर है और तीसरा आज सागर इलेवन मध्य प्रदेश। ये जो मुकाबला जो टीम जीतेंगे वो सीधा गाजीपुर से भिड़ेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद अवध इलेवन मेहताब भाई की टीम, क्योंकि लोकेश राहुल उन अपनी टीम की प्रतिनिधित्वता करते हुए लोकेश चाइना के प्रतिनिधित्व में वो टीम खेलेगी। दोनों सलामी जोड़ी इस वक्त ग्राउंड पे पहुंचते हुए एवएम स्पोर्ट्स कटनी की तरफ से दोनों टीम अपना 12th मैन भेज दे। मैं अनुरोध करता हूं कि एमएमए स्पोर्ट कटनी अपना 12th मैन भेज दे। आप एक 12th मैन भेज दे, इसके बाद भी और बल्लेबाज आएंगे तो नाम जानने में परेशानी ना हो, 12th मैन हमारे कॉम्बॉक्स में भेज दे ताकि स्कोरर को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर आप अगर बात को नहीं सुनते हैं तो फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की पेनाल्टी लग सकती है। 12th मैन आप लोग अपने जो भी मैचेज होने हैं जो लाइव से भी जुड़े हुए हैं टीम या फिर यहां पे हैं उनसे अनुरोध है भैया 12th मैन या फिर किसी प्रकार की अनाउंस की जाती है तो आप फटाफट जुड़े। चलिए स्ट्राइक लेंगे राजा खान, नॉन स्ट्राइक पे आंसू, गेंदबाजी मोर्चे को संभाले हुए गेंदबाज अनुज। भारत का एक बेहतरीन बॉलर, इनकी गेंदबाजी ना जाने कितने बल्लेबाजों को मंसूबे को नाकामयाब किया है। इस वक्त एमएमए स्पोर्ट्स के बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है और 119 रनों का लक्ष्य रखा है उनके लिए कटनी के लिए, और ये निकल जाएगी चार रन। बेहतरीन शॉट, खेलना कहीं और चाहते थे, बल्ले का किनारा लेके चली गई गेंद टर्मिनल बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए। तो ये चौका निकलता होगा बल्लेबाज राजा खान के बल्ले से। और मैं बता दूं कि इस वक्त एमएमए स्पोर्ट बीच ग्राउंड में आपको दिख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब कल फाइनल मुकाबला होगा तो एमएमए स्पोर्ट कटनी की तरफ से बेस्ट बैट्समैन के रूप में एक एमएमए स्पोर्ट्स का एक बहुत ही बेहतरीन बल्ला दिया जाएगा जो बेस्ट बैट्समैन बनेंगे। मनोज की अगली गेंद, फील्ड के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश, लेकिन वहां पर फील्डर काफी चुस्त और तंदुरुस्त बचाते हुए तीन रन अपने टीम के लिए, लाजवाब क्षेत्ररक्षण। एक विशाल सा स्कोर खड़ा करने के बाद अब इतनी अच्छी क्षेत्ररक्षण हो रही है, रन बचा रहे हैं और ये आने वाले
ओवरों में आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है एमएम स्पोर्ट्स कटनी के लिए। जिस तरीके से अभी तक इन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी अभी तक जो भी गेंद डाले गए हैं और एक फील्डिंग अभी आपको अच्छी देखने को मिली। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, क्या इस गेंद को रोक पाएंगे, देखना होगा। रॉकेट शॉट, चार रन। और ये शॉट, ये चौका जो निकला है वो आंसू के बल्ले से निकला है। पहला चौका आया था उनके साथी बल्लेबाज राजा खान जो स्ट्राइक ले रहे थे उनके बल्ले से, और ये चौका आंसू के बल्ले से आया। तो इस ओवर में कुल मिला के दो चौके आ गए। मतलब अनुज जैसे गेंदबाज के ओवर में अगर आप पहली ओवर से दो चौके ढूंढ लेते कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लाइन और लेन से भटकाने की कोशिश है और थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए। पहला ओवर चलता हुआ 9 रन 119 तक पहुंचना होगा। एक ही विकेट गंवाए थे सिकंदर 11 गाजीपुर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी सुनील यादव की, और सुनील यादव अनिल यादव की वो जोड़ी 62 रनों की पारी, दोनों बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारी हुई थी वो 62 रनों की। फुल टॉस गेंद, अगर बड़े शॉट नहीं मिड विकेट पे गेंद फील्ड की गई, एक ही रन मिल पाएंगे। एक रन के शॉट स्कोर में इजाफा। मैं बता दूं तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट 2022 का यह पहला आयोजन, काफी बेहतरीन आयोजन इस वक्त आप देख सकते हैं। पूरी आयोजन समिति के द्वारा जितनी तारीफ कर लीजिए मनीष भैया की, जितनी तारीफ कर लीजिए फराज भाई की, जितनी तारीफ कर लीजिए आप फरहान भाई की, जितनी तारीफ कर लीजिए आप नजरुल हुसैन जी की, जितनी तारीफ कर लीजिए आप कपिल सिंह जी की, और जितनी तारीफ कर लीजिए इस बल्लेबाज की। कभी काटी छोटा शॉट काफी लंबा, 6 रन, और इस 6 रन के साथ पहले ओवर को संपन्न किया है। एक ओवर के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के एमएम स्पोर्ट कटनी। और मैं बता दूं कि अभी आने वाले बल्लेबाज अंकित मौर्य AK-47 के नाम से जाने जाने वाले स्विच हिट के मास्टर, अभी वो बल्लेबाजी करने आने शेष है। मतलब उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। एक विशाल सा स्कोर है, 119 रनों का लक्ष्य है। आज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी अच्छे करने पड़ेंगे, लेकिन जो बड़ी जिम्मेवारी होगी वो अंकित मौर्य के ऊपर जरूर गई। अगर ये विकेट जल्दी अगर निकल जाती है तो फिर अंकित मौर्य अक्सर ओपन करते हुए दिखते हैं आपको, लेकिन इस मैच में वो ओपन करने आए नहीं है। वो साफ झलक रहा है कि 119 रन तक जो पहुंचने हैं उसके लिए अंकित मौर्य को रोक के रखना काफी जरूरी है। तो टीम के कैप्टन ने आज उनको ओपन से रोका है। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। अनिल यादव, अनिल तो इस टीम में दो अनिल है, तो ये अनिल सेकंड जो कि गेंदबाजी स्पेशलिस्ट है वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अनिल तो एक अनिल यादव जो कि बल्लेबाजी में कहर बरपाया था, दूसरे अनिल जो है वो गेंदबाजी करने आए हैं। लेकिन ये खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, काफी ऊपर गेंद, वाइड का इशारा, दोनों बाजुए खुली अंपायर की, यहां पे फर्स्ट बाउंस का भी इशारा लेग अंपायर के द्वारा, लेकिन अभी भी मेन अंपायर वाइड, यहां पे वाइड के सहारे एक रन और फर्स्ट बाउंस का इशारा चेतावनी देते हुए गेंदबाज को। तो इस तरीके से अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा, 17 बगैर किसी नुकसान के। इस बार बल्ला काफी तेज घुमाया, अपील हो रही है, काफी एक्साइटेड दिखाई देते हुए सिकंदर 11 गाजीपुर। थोड़े से लेग अंपायर ने अपना इंटरेस्टेड दिखाया बात करने के लिए मेन अंपायर से। इस वक्त दोनों अंपायर अली भाई और नजरुल हसन गुड्डू जी आपस में कुछ बातचीत करते हुए, इस वक्त अली भाई जैसे एक जोरदार अपील हुई उन्होंने बात करने का, आपस में एक गुफ्तगु करने का फैसला लिया, और यह नॉट आउट का इशारा आया है। काफी उत्साहित माहौल थी, उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला सिकंदर 11 गाजीपुर के खेमे में, मगर अब थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली है, थोड़ा सा निराश होते हुए। सही है, सोए यार, वही पता गए तो ही जावा।
और इस बीच बल्ले का किनारा लिया है बिल्कुल इस सिली फाइन लेग बगल से विकेट कीपर के निकल जाएगी गेंद चार रनों के लिए। शायद लेग भाई का इशारा आया यानी बल्ले से नहीं वो जो आवाज आई थी पैरों पे लगी थी थाई पैड से टकराई थी लेकिन आवाज काफी जोर की निकली थी तो इस तरीके से चार रन मिलता हुआ। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर में इजाफा होता हुआ 21 रन 1.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। और इस बार बल्ले के बीचों बीच ऊंचाई तो काफी ऊपर है दूरी कितना ये देखना होगा। वाह 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 क्या अच्छी फील्डिंग हुई है क्या बचा पाए हैं छलांगे तो काफी अच्छी लगाए हैं रोका भी है शॉट को और बिल्कुल ही अपने टीम के लिए रन बचाते हुए। तो यहां पे अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है मतलब कि 5 रन बचा लिए हैं। इस फील्डिंग के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद छक्कों के लिए डील हो जाएगी छक्कों में तब्दील हो जाएंगे लेकिन एक सही समय पे सही छलांग लगाया और छक्के को बचाया और फील्डिंग में संभवतः इन्होंने 8 रन बचाए एक चौका रोका था अब एक छक्का रोका है। इस बीच मिड विकेट की तरफ फिर से क्षेत्ररक्षक मौजूद है और ये गेंद को रोकने में असफल होंगे इस बार मिल जाएंगे मैक्सिमम 6 रन और ये शॉट निकला है बल्लेबाज राजा खान के बल्ले से। अगर आप इनको देखें तो बिल्कुल कद काठी छोटा है यानी कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका देखने में चोट लगे घाव करे गंभीर 5 गेंदों में 17 रन जड़ दिए जिसमें 2 छक्के और 1 चौके शामिल है 340 का स्ट्राइक रेट रन रेट से ये बल्लेबाजी करते हुए। तो 340 के अपने स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है इस वक्त राजा खान कद काठी छोटा है लेकिन ये बड़े बड़े लंबे लंबे गगन चुंबे छक्के लगाते हुए और तारीफ करना होगा यहाँ पे सिकंदर 11 गाजीपुर के जो 2 फील्डिंग हुई है। दिलशान भाई आपका स्वागत है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फील्डिंग तो फॉलो करिए भाई सलेमपुर देवरिया कुशीनगर उतने उधर जितने भी टूर्नामेंट होंगे सब आपको दिलशान ताकत नहीं नजाकत देखिए क्या बेहतरीन लाइव देखने को मिलेगा राजा खान वाह अंकुर सिंह बहुत ही बेहतरीन चौका पॉइंट के ऊपर से इसके पहले मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया फिर पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया है और गेंदबाज अनिल का यह ओवर काफी महंगा होता हुआ 12 रन इस ओवर से आया है पहले ओवर से 16 आए थे इस ओवर से अब तक 12 बन गए। वाह 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 सिर्फ दिशा दिखाया है यह गेंद देखना होगा नहीं एक और मिल जाएंगे बाउंड्री और इस ओवर से भी आ गए हैं कुल मिलाकर बल्ले से रन आए 16 और अतिरिक्त मिला के 20 रन टोटल इस ओवर से 20 रन कामरान भाई नहीं थे भाई अर्जित हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये मुकाबला जो है किस तरीके से जा रहा है जब बल्लेबाजी कर रहे थे सिकंदर 11 गाजीपुर तो उनके 2 ओवर में 42 थे और इनके 2 ओवर में 36 है यानी 19 और 20 का फासला है ज्यादा फासला है नहीं 19 और 20 का फासला है बस एक बल्लेबाज कौन है जो लंबी पारी खेलेंगे एक बल्लेबाज सुनील यादव जिन्होंने लंबी पारी खेली थी वही आवश्यकता यहाँ पे भी है कि एवीएम स्पोर्ट कटनी की तरफ से कोई एक बल्लेबाज लंबी पारी खेल जाए फिर यह मुकाबला आपको आखिरी वक्त तक आखिरी समय तक जाएंगे। तो ये क्रिकेट है भैया ये ऐसे ही खेल बदलता हुआ आपको दिखेगा पल पल में इधर पल पल में उधर इसीलिए तो कहते हैं कि पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती हो इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता क्रिकेट तू कितने रंग बदलती हो ये देखिए आप ये खेल है ये क्रिकेट है कहीं पर रनों की बरसात हो रही है कहीं 80 रन डिफेंडर है चेस नहीं हो पा रहे हैं तो ये टीम है ये मुकाबला है ये दिन है ये क्रिकेट है सब कुछ देखने को मिलेगा आपको सामने से नहीं भैया विकेट के सामने से ये 2 लोग चला रहे हैं मैं बाउंड्री के बाहर से दिखा रहा हूं दोनों टीम काफी सशक्त टीम नजर आती हुई मैं बाउंड्री से इतने दूर पे हूं ये देखिए बाउंड्री ये बाउंड्री है मैं बाउंड्री पे बैठा हुआ हूं
मिनी हेलीकॉप्टर निकाला वहां पे ऑन साइड पे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, थोड़ी सी गुस्ताखी की है वहां पे फील्डर और रन पूरा कर लिया एक रन। गेंदबाजी में फिर से बॉलिंग छोर से अनुज को लाया है, अनुज के बेहतरीन गेंदबाज है अनुज, इस वक्त पूरे भारत में अपना गेंदबाजी का लोहा मनवाया है अपने गेंदबाजी से, इनकी जिंदगी रद्द है अपने गेंदबाजी से। बड़े बड़े दिक्कत सितारे बहुत बड़े बड़े टेनिस के बल्लेबाज को बोलती को बंद किया है, तो अंपायर महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि आप खास ख्याल रखेंगे समय का। ये लोअर फुल टॉस गेंद बल्ले का किनारा लिया है, फर्स्ट स्लिप में क्षेत्ररक्षक मौजूद है जब तक की बॉल फील्ड हो, रन मिलेंगे नहीं, डॉट गेंद आता हुआ। हमारे बीच कुलदीप सिंह विधायक प्रतिनिधि सुल्तानपुर से, जो कि दिल्ली से चल के आए इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए, लगातार हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजन समिति जितने हैं काफी मेहनत कर रहे हैं दिन और रात। सुल्तानपुर सेमीफाइनल है, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल कल खेला जाएगा, वो काबिलियत तारीफ है। इस मैच के बाद एक मैच होगा लास्ट क्वार्टर फाइनल, और बाहर अच्छी शॉट खेलने की कोशिश, जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसका मुकाबला। कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद जाके उनके पैरों पे लगी, एक रन मिलेंगे और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एमएमए स्पोर्ट कटनी का, गाजियाबाद से होगा अवध 11 गाजियाबाद, बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी बात है कि दोनों टीम की जो पहली विकेट है वो काफी, पहला विकेट जो उनका गिरा था सिकंदर 11 गाजीपुर का तो 62 पे गिरा था और यहाँ पे 38 हो गए हैं बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पे भी अच्छी साझेदारी हुई है, साझेदारी आज पहले विकेट के लिए, यह जो आखिरी मैच जो है आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला है यह कुछ संकेत दे रहा है। जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पे रन बरसने शुरू हो रहे हैं। वाह क्या शॉट है, ताकत ज्यादा नहीं सिर्फ दिशा दिखाया, नजाकत का इस्तेमाल किया, टाइमिंग का इस्तेमाल किया और चढ़ दिया सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, चार रन स्क्वायर लेग और फाइनल लेग के बीच से निकलती हुई दम बनाती हुई AK-47 से जिस तरह गोली निकलती है उसी रफ्तार में निकलता हुआ यह गेंद चार रनों के लिए, और इस चार के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 42 बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर का मुकाबला चलता हुआ पे जीता है। लाइव को शेयर करिए भाई आप लोग, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, फॉलो कर लीजिए पेज को, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, इनको भी फेसबुक पे फ्री वाला स्टार दिया है वो भेजते रहे भाई। कोशिश हो रही है और ये देखिए मिड ऑफ के फील्डर के साथ खिलवाड़ किया है, 38 सर्कल को फिर सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर से खेल दिया, 38 सर्कल के अंदर थे मिड ऑफ के फील्डर, गेंद चली गई अंदर आते हुए सीमा के बाउंड्री के बाहर, चार है और इस चार के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। तीसरा ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या बल्लेबाजी हो रही है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद क्या बोला तो इतना दौड़ा था, हल निकालना ऐसे ना ठीक है, पहले ही घुटना टेका था लेकिन इस बार एक रन मिलेंगे और लेख भाई आता हुआ, लेख भाई के साथ एक रन मिलेंगे लेख भाई के सहारे और स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाले तो तीन ओवर संपन्न हो चुके हैं, तीन ओवर के बाद 47 बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छा स्टार्ट अनुज जो कि ये बहुत अच्छे गेंदबाज थे, उन्होंने दो ओवर में 25 रन खर्च की, कोई सफलता इनको हाथ नहीं लगी और हमारे अंपायर महोदय थोड़ा सा खास ख्याल रखेंगे, नजरुल हसन उर्फ गुड्डू भाई और हमारे अली भाई जिन्होंने कल खलबली मचा दिया था लेदर बॉल में, और दोनों अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय का खास ख्याल रखेंगे, 32 मिनट का वक्त दिया गया है, मैक्सिमम आप 40 मिनट आप ले सकते हैं, तो इसके अंदर आपके जो 8 ओवर दिए गए हैं 8 ओवर का जो मुकाबला है उसको संपन्न करना है। तीन ओवर 47 बगैर किसी नुकसान के, अगर काउंट डाउन की बात की जाए तो यहां से अब जीत के लिए और 30 गेंदे शेष है और 30 गेंदों में महज कितने रनों की आवश्यकता है भैया, 119 पे जीत है। पांच ओवर में अब जीत के लिए तीस गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता। चलिए डैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, संभव है असंभव नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं, ये कारनामे होते हैं छोटे फॉर्मेट में होते हैं, छोटे फॉर्मेट का जो मुकाबला होता है उसमें ये कारनामे होते रहते हैं।
आप देख सकते हैं कि यह डॉग आउट से लगातार संदेश जा रही है, चाहे वो गली मोहल्ले में हो या फिर इंटरनेशनल हो। अब तो डॉग आउट से या फिर उनके और ड्रेसिंग रूम से बहुत सारे कोड वर्ड हो गए हैं, वहां से संदेश पहुंचाए जाते हैं। यहाँ भी अब ये तीन ओवर ने दर्शाया है कि ये मुकाबला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अब आया है इस वक्त अंकित काल रणनीतियां बनाने पे मजबूर किया है सिकंदर 11 गाजीपुर के खेमे में। एमएम स्पोर्ट्स की तरफ से बेस्ट बैट्समैन को बैट भी दिए जाएंगे। आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और इस गेंद को काफी ऊपर उछाला है हवा में, नीचे विकेट दिला दिया है अंकित काल्की ने और पहला विकेट कुछ इसी प्रकार चौथे ओवर में गवाए थे सिकंदर 11 गाजीपुर। और यहां भी चौथे ओवर में विकेट का पतन हुआ है और जाना पड़ेगा बल्लेबाज आशु को बाहर। 10 गेंदों में 15 रन बनाए, 15 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, एक अच्छी साझेदारी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 18 गेंदों में 47 अगर ये गेंद को जोड़ दिया जाए तो 19 गेंदों में 47 रनों की साझेदारी। और देखिए 47 की साझेदारी हुई है और सामने आपको पिच पर दिखेंगे AK-47 अंकित मौर्य। अंकित मौर्य आए हैं बल्लेबाजी के लिए 47 के स्कोर पे। एमएम स्पोर्ट कटनी को लगने वाला ये पहला झटका, क्या बेहतरीन मुकाबला चलता होगा। मंजिले उड़ी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे हौसला बढ़ाना होगा दोनों टीमों को, गेंदबाजों को भी बल्लेबाजों को भी। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। जी जान लगा के आप खेलेंगे तभी आपके अपने जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट ऑन साइड में खेला, जब तक फील्डर के द्वारा गेंद फील्ड की जाती है आसानी से एक रन पूरा किया। एक रन के साथ टीम का स्कोर 48 और अंकित मौर्य का खाता खुलता होगा इस एक रन के साथ। गेंदबाज भी अंकित है और बल्लेबाज भी अंकित है। इस ओवर की पहली गेंदों पे गेंदबाज अंकित आया, विकेट दिलाया और अंकित ने विकेट लिया तो बल्लेबाजी के लिए अंकित आ गए। थोड़ा सा खास ख्याल रखेंगे अंपायर महोदय, गेम को थोड़ा फास्ट चलाएंगे क्योंकि 40 मिनट का वक्त जो है उसके अंदर ओवर खत्म करेंगे क्योंकि इसके बाद इस टूर्नामेंट का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाना है। हमारे फराज भाई काफी मेहनत करते हुए दिन भर चलने के बाद रात में भी कैसे अपने बॉडी को मैनेज करते हैं मनीष भाई, और इस टूर्नामेंट के बहुत सारे आयोजन समिति मनीष सिंह, कपिल सिंह, फराज जुबैरी, नजरुल हसन, सुजात सिंह, सानू अली, फरहान, इन सबों ने मिलके कुछ लोग मेहनत करके एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है और लगभग सफल होता हुआ नजर आ रहा है यह टूर्नामेंट। भाई अब इससे क्लियर आदमी खासकर फरहान भाई की तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने अंदर लगाऊं इस टाइम मिला उन्होंने पारी का भी मार रहे और जिम्मा लिया है जैसे मौका मिला है। ये आपको पता है कि कल के बाद ये मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने अपने कैमरे में सारे दृश्य को कैद कर लिया है क्योंकि कल के बाद अगर कुछ रह जाएंगे तो वो दृश्य रह जाएंगे, वो वीडियो क्लिप रह जाएंगे। अंकित मौर्या के लिए बहुत ही अच्छी यॉर्कर, बहुत ही सही जगह पे टप्पा, सही ठिकाने पे टप्पा पड़ता हुआ। सलेमपुर को चौथा ओवर का खेल चलता हुआ चौथे ओवर में अगर मैं स्कोर की बात करूं तो इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, अर्धशतक पूरा हुआ है टीम का। ये हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी मौजूद है और ये बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी मछली, जाना पड़ेगा बल्लेबाज राजा खान को बाहर। राजा खान अब तक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 11 गेंदों में 26 बना के खेल रहे थे लेकिन 12वें गेंद पे अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए और ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। जो एक बल्लेबाज को एक लंबी पारी खेलने की आवश्यकता थी वो पारी ऐसा लग रहा था कि राजा खान खेल पाएंगे लेकिन इसी ओवर में आप देख सकते हैं दो बड़ी मछली, दो बड़े
बल्लेबाज दोनों ओपनर को डगआउट का रास्ता दिखाया है अंकित ने। तो इस तरह से ओवर संपन्न हो चुके हैं, तो कुल चार ओवर के खेल संपन्न हो चुके हैं। चार ओवर के बाद अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 52 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं तालुकदार इंटर कॉलेज कप, जिसका विजेता प्राइज जो है वो रखे गए हैं 251,000 रुपए, उप विजेता प्राइज 151,000 रुपए। और ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है और इस मैच के बाद भी आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। तो अब चार ओवर के बाद 50 है, आने वाले चार ओवर में जीत के चाहिए 69 रन। और इस 69 रनों में और आने वाले 24 गेंदों में आप आवाज सुनेंगे हमारे बड़े भाई गुड्डू भाई की, वो इस आने वाले चार ओवर में क्या कुछ कहेंगे और अब तक की क्या खेल हुई है गुड्डू भाई, यह चार ओवर इसमें क्या कहेंगे आप? थोड़ा अंपायर आप एक्टिव रहेंगे, अगला चार ओवर का आवाज माइक्रोफोन पे आएंगे गुड्डू भाई। बहुत शुक्रिया भाई, अंपायरों से विशेष ध्यान दीजिए कि 40 मिनट के अंदर आपको करने हैं। YouTube पर चैनल का नाम है भाई कस्बा माहौल, जल्दी कीजिए QASBA, सेम यही नाम है कस्बा माहौल, बस उस पे स्पोर्ट नहीं लिखा हुआ है। कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी, चैनल का नाम है कस्बा माहौल के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वीरेंद्र करता हूं, स्कोर इस समय चार ओवर की समाप्ति पे 50 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। एक और विकेट का पतन। सेमीफाइनल में पहुंची है सीतापुर, पहले गेंद पर उन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई जिस सफलता की जरूरत थी, तो कहीं ना कहीं गाजीपुर की टीम वापसी करती हुई दिख रही है। अंकित आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए मात्र 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए, हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। और सागर मध्य प्रदेश, ये 3 टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, आप लोग पेज को फॉलो कर लीजिए। अंकित 47 कस्बा माहौल, कस्बा माहौल नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कामरान खान नहीं, कामरान खान बल्लेबाजी कर नहीं पाए, नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं अनुराग। जिस जिले की टीम को इनसे अगर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है तो उस जिले का खिलाड़ी आइकन प्लेयर बनकर दूसरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी अंकित ने, तो सफलता दिलाई थी अपनी टीम को और मैच को गाजीपुर की तरफ मोड़ दिया। तो स्कोर इस समय 50 रन ठहरा हुआ, 3 विकेट गंवा दी है एमएम स्पोर्ट कटनी मध्य प्रदेश ने। इस बीच बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। बल्लेबाज अनुराग ने आते ही अपने बाजुए खोले और चौके के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। उसमें चल पाई है, जैसे उस्मान पटेल ना चल पाए, रिसू चले एक बार फिर से और ना चल पाए सिटी एंड से फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए। बॉल वाले हैं वो, ओए होए क्या शॉट, बहुत ही बड़ा विकेट की तरफ आते हुए बैंकर सरोवर देखने को मिला गेंदबाज के द्वारा, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, प्रशंसा करनी होगी गाजीपुर के गेंदबाजों की। अरे मतलब भाई तेरी 4 बॉल में पूरा मैच पलट गया, बहुत शानदार गेंदबाज, जितनी भी तारीफ की जाए रुसू की वो कम। और 2 विकेट ले चुके हैं पिछले 2-3 गेंदों में, रन तो अभी काफी चाहिए डॉक्टर साहब। ए आनंद कमेंट करो, लाइक करो, लाइक 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 भाई ना खेल पाई उन्होंने, बहुत गहरी मुसीबत में फंसती हुई दिख रही है कटनी की टीम। 4 विकेट गिर चुकी है उनके ऊपर के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। एक समय राजा खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 11 गेंदों पे 25 रनों की पारी खेली, उसके बाद मतलब बल्लेबाजों ने निराश किया।
हालांकि दो जोड़ी इस समय मौजूद है अमित और रवि की जोड़ी। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, गगन बेदी छक्का लगाया है यहाँ पे अमित के बल्ले पे। कमाल की बल्लेबाजी, इसी तरह बल्लेबाजी कर रहा होगा। फाइनल के दिन करवाइए, तकनीकों के मुकाबले बहुत बहुत हुआ, सही कह रहा है। 12 में रहते हुए मेरे इतना सुनो बांट है सब तक क्रिकेट एकदम बांट दे, ये एरिया पूरा जुड़ गया। अगर देखा जाए तो बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए आते ही छक्का लगाना इतना आसान काम नहीं होता। इस बॉल पे 65 रन चाहिए अभी, मानो डगआउट से प्रैक्टिस कर कर आया हूँ। पहले गेंद पे 6 रनों की जबरदस्त शॉट लगाई, चले एक बार फिर से बेहतरीन संघर्ष देखने को मिल रहा है। बैट बॉल के बीच ये जो ग्राउंड में कैमरा लगाए हैं इनके चैनल एक का नाम है, खिलाड़ी दोनों ही टीमों में ये जो ग्राउंड में चैनल लगाए हैं इनका नाम है BDP लाइव क्रिकेट और जफर एंजेल। प्रतीक अवस्थी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा इन्होंने फॉलो किया हमारी वीडियो को। प्रतीक अवस्थी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सफलताएं दिलाई है अपनी टीम को इस ओवर में और झकझोर कर रख दिया है। हालांकि पिछले दो गेंदों पे BDP लाइव जो है वो स्कोर के साथ अच्छा दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन कैमरा मूव नहीं कर रहे हैं। तो चलिए भाई आपको अच्छा लगे वहां देखिए, एक और बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फिल्टर वहां मौजूद, केवल एक ही रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कटनी का स्कोर है 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो यहां से 18 गेंदों पे जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 18 बॉल 57 रन। अफजल भाई, अफजल भाई जिन्होंने एक रन देखे एक ओवर में, 3 अफजल भाई कोइलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका भी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। जैसा मैं कह रहा था कि पूर्वांचल का एक्सप्रेस कहा जाता है इन्हें, पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, और वैसे ही इन्होंने आया और दो विकेट ली और झकझोर कर रख दिया कटनी के खिलाड़ियों को। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, साफ सफाई ना है, कुल बहुत गंदा कह दिया ना ही, कुल गड़बड़ कह दी ना बहुत ज्यादा। असल में 2-3 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार है ना, बहुत ही बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, इस बार रवि के बल्ले से निकला, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया सीधा मैदान बाउंड्री के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए स्वागत किया है अंकित सिंह कलकी का। आउट हो गए, अरे मधवा प्रतीक भाई भाग आवा, मधवा प्रतीक भाई बुला रहा है, क्लीन बोल कर दिया है अंकित सिंह कलकी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। हालांकि पहले गेंद पे विकेट गिर गया था तो छक्का लगा था, लेकिन दूसरे गेंद पे क्लीन बोल कर दिया। मार दे जड़ी है अरे मैं बल्लेबाज के रूप में दीपांश सामना करेंगे अंकित किसकर की। आप वाले पे कमेंट्री क्लियर है, हाँ भाई कमेंट, पूर्वांचल के सबसे साउंड के सामने बैठा हूँ, अगर शामिल किया जाए तो इनको नाम को शामिल किया जा सकता है, बहुत ही शानदार क्रिकेटर। वालेकुम असलम असीम भाई सलारा आजमगढ़,
कबड्डी किस पेज पे दिखाई? कबड्डी नहीं है कल की। पूर्वांचल क्रिकेट का एक बाला चेहरा, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा ली। खुश किस्मत है कि वहां पे स्लिप पकड़े फील्डर दूर थे थोड़े से। अभी खरेवा का वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है कस्बा माहुल आजमगढ़ जो मेरा मेन पेज है उस पे लाइव दिखाया जाएगा। आज कबड्डी शायद पारा कमाल में थी या कहाँ थी, लेकिन जा नहीं पाया मैं, पहुँच नहीं पाया वहाँ पर, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो खरेवा वाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट अभी थोड़ी देर में, बल्लेबाज कस्बा माहुल आजमगढ़ वाले पेज पर लाइव होगा। लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बहुत ही तेजी के साथ अंदर की तरफ आए और वही चकमा खा गए बल्लेबाज। असल में जरूरत तो उधर वालों का किसी न किसी बल्लेबाज को शक्तिमान बनना होगा, इसलिए उधर का इंटरेस्ट थोड़ा सा ना घट गया। आवाज भी चली गई, बहुत ही लाजवाब गेंद, निश्चित रूप से अगर पीडब्ल्यू के नियम यहाँ पे लागू होते तो प्रोविजन करा जाना पड़ता। दिलशान भाई, दिलशान क्रिकेटर सलीम पेर सलेमपुर के पेज को फॉलो करिए भाई। ये जो है उधर दो ओवर 10 रन 3 विकेट कुशीनगर देवरिया साइड, बहुत दिलादार विकेट अंकित सिक्कल की। 12 में शायद डे टूर्नामेंट था शायद। स्कोर इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज जो मेन पेज जो कस्बा माहुल आजमगढ़ है उस पे जो है खरेवा का वॉलीबॉल टूर्नामेंट दिखाया जाएगा। 8 टीमें हैं शायद। कलिया तो अब ज्यादा भाई ना आराम लगा था, गिलवे बोले ने कहा दबा के सेठों को दबा के भैया लोग। 47 आज तक मेरे सामने अच्छा नहीं खेला है और आज भी नहीं, वही हुआ आपके सामने अच्छा, मतलब आप जब देखते हैं तब वो अच्छा नहीं खेलते। अवध 11 इसके बाद है भाई, अवध 11 के पेज है इसके बाद पेज टेनिस पूर्वांचल के सर्वोत्तम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गेंद और एक और विकेट का पतन, तो सब बटुल गया यार एक भाई। अना मुकल मैच पेज टेनिस ब्रॉडकास्टिंग का पूर्वांचल में शर्मा इनको दिलशान है, ये क्रिकेटर है देवरिया देवरिया जिला के। हाँ देवरिया रुपए का इनाम दिया जाएगा कटनी को अगर इस मुकाबले को जीतती है। कटनी के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करते हैं पूर्वांचल में, सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग हमारे आसिफ भाई का ये। अरे भाई धन्यवाद, हमारे साथ एक आदमी है उसको 2:30 बजे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है रात में। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि गेंदबाज एक से बढ़कर एक दिखाई पड़ता है, 2:30 बजे वाली कहानी जानने के लिए आप पर्सनल कस्बा माहौल पे आप मैसेज करते हैं आसिफ भाई को। विकेट का पतन हुआ 69 रन की बक्की के बहुत गुप्त बातें हैं। बड़े भैया आप लाइव मैच चला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा के प्रेमियों के साथ, क्रिकेट प्रेमियों के साथ। हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग जुड़ते रहिए इसे। ये असल में ये नया पेज बनाया मेरा, जो पुराना पेज है उस पर है तो 1,12,000 फॉलोअर, लेकिन फेसबुक की नाराजगी समझ में नहीं आती है, उसने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया मोनेटाइजेशन, तो इसलिए नया पेज बनाना पड़ा। पूरी तरीके से उनके बारे में अभी हमारे यहाँ 100,000 रुपए पढ़ने सोच रहे हैं, लेकिन 11,000 का ही नाम अभी तक है। वो ऐसे ही है वो खाना भी नहीं, नए बल्लेबाज के रूप में आनंद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डूबती नैया के खेवैया, आखिरी उम्मीद, वो सिर्फ फल खाता है, इसी खिलाड़ी पे सब कुछ निर्भर करेगा। शेर मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता उसे शेर। 10 गेंदे 50 रन, 10 बॉल पे 50 रन की जरूरत, क्या लगता है कौन जीतेगा? कामरान खान भाई कैसे खेलेंगे भाई अगर वो मऊ की टीम में नहीं थे तो मुश्किल था खेलना मेरे। एक अभ्यर्थी खेलनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, कामना है कि वरना जैसे मैं पहले ही कहता हूं कहता भी रहूंगा लंबी हो और आप हमेशा खुश रहें, दौर के अगले दौर में जाएंगे और नहीं तो आप। पिंटू भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आसिफ भाई अपने आजमगढ़ कमेटी में बहुत अच्छा भाई, आपका बहुत बड़ा योगदान है नुमान भाई के पास, तौहीद भाई आपका भी बहुत 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 दिल से शुक्रिया भाई, आप लोग सपोर्ट करते हो तभी हम आगे निकल रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोग का सपोर्ट रहा।
चीजों को और अच्छा किया जाएगा फ्यूचर में। थोड़ा सा मोनेटाइजेशन की वजह से खराब हो गया था, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कस्बा माहौल भाई आपके पास, हल्का सा जूम करने का भी एक कर दे रहा हूँ अभी, थोड़ा सा और जूम होगा, ये लीजिए ये आखिरी जूम है, इसके बाद क्वालिटी खराब हो जाएगी। 71 रन है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान, छक्के लगाने होंगे, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, वरना मैच आपके पकड़ से वैसे भी काफी दूर है और भी दूर हो जाएगी। गैर पेपर दे वगैरह बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंदबाजी रितु की, प्रशंसा करनी होगी इस खिलाड़ी की, जिस तरह से मेहनत किया हो गेंदबाजी में, मात्र 14 रन ही अब तक खर्च किए हैं और 3 विकेट ले चुके हैं, वो भी बहुमूल विकेट। लेकिन ये बॉलर का नाम बता दीजिए, या 3 विकेट, कोई नया बॉलर है, मैं भी नाम नहीं जान रहा हूं, अभी देखता हूं एक मिनट। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, बहुत दूर जाते हुए दिख रही है एमएम स्पोर्ट कटनी की टीम, मेरी भी बची हुई है, कहां मिली, 7 गेंदों पे जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत, 7 गेंदे 47 रन, 7 बॉल पे 47 रन। क्रिकेट इतना भी अनिश्चितताओं का खेल नहीं है कि, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद कटनी का स्कोर है 72 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। ओपनर बल्लेबाज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी खिलाड़ी टिककर खेलने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, और उनके खेमे में देख सकते हैं इस समय थोड़ी सी मायूसी साफ दिखाई पड़ रही है। बॉलर अनिल आए गेंदबाजी करने के लिए, जो पहला ओवर किए थे और 7 गेंदबाजी 20 रन खाए थे, उसी कर्ज को अदा करने का समय आ गया। स्पेल करिए, अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही होती है जो वापसी करने का मादा रखता हो। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी अनिल गेंद करेंगे सिटी एंड से, लेग स्टंप पे भटकी हुई गेंद और पाइन लेग पर बाई के रूप में यह रन, इस तरह से 5 रन बचना होगा इन सब चीजों से। ग्यारह बॉलर स्पिनर रोक लगवा दिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, थर्ड मैन बॉल देखिए तरफ, प्रयास बहुत अच्छा खिलाड़ी का, लेकिन एक स्टाफ आगे निकल गए खिलाड़ी, शानदार चौका लगा, स्कोर इस समय 82 रन। तो यहाँ पे 4 गेंदों पर ये भाई कल से आप अंदर से चलाए भाई, 37 रनों की जरूरत, अजी भाई 4 गेंदे 37 रन, प्लेयर को हम लोग जानते हैं, शुक्रगुजार हूं बड़े भाई, फॉलो किया तब से उसामा मिर्जा, बहुत से खिलाड़ियों, कुलदीप सिंह जी का दोस्त जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय कीमत दिया इस टूर्नामेंट को, इंशाल्लाह आपसे बने हुए हैं मेरा घर रुदौली के अतिथि के रूप में हमारे बीच, सुजानगंज है, अच्छा भाई सुजानगंज आप रुदौली से हैं, अनिल आइए भाई मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। 8वें विकेट का पतन हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को बता दूं कि आज क्या इस टूर्नामेंट का आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी अभी अहमद 11 गाजियाबाद से। आपको अलाउ नहीं हुआ क्या अंदर से चलाने के लिए, आपका जुनून बहुत अच्छा है, इतना जुनून करने के बाद असल में मैं मेरा कुछ मिशन है, मैं उसी मिशन पे हूँ। वालेकुम अस्सलाम अशरफ भाई, अवध 11 का टॉस हो गया, अवध जो जीतेगा उससे होगा भाई टॉस। भैया जी आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आसिफ है भाई। तो जो मेरा एक मिशन है कि मुझे बाउंड्री के बाहर से दिखाना है और उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज देखा आपने दिखाने वालों के स्टैंड में 2-3 बार बॉल लगी है और कुछ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और मैं बाहर से ही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। शक्तिमान ये कारनामा कर सकता है, वो भी टीवी सीरियल में, ग्राउंड पे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से गाजीपुर की टीम पूरे यूपी में खेल रही है। नंबर आ रहा है, बोलने का नंबर आ रहा है, माहौल बना देता है, गई है उड़ते हुए। तो सिकंदर इलेवन इस समय सिकंदर की तरह खेलती हुई,
कल तीन ही मैच है, कितने बजे स्टार्ट? बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काफी प्रभावित किया है अपने गेंदबाजी से। अशरफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू छोटे भाई, थैंक यू पिंटू कुशवाहा भाई। कल तो हो जाएगा, 3:30 तक आराम से दे देंगे। अंतिम गेंद समता है इसके बलराम, ये शॉट सीखने में बरसों लग जाते हैं खिलाड़ी, अजीब की ट्रेनिंग दिया जी। कप्तान संदीप पर आ जाए, कप्तान संदीप जीत गई भाई, गाजीपुर जीत गई, जीतने वाली टीम को भी मुबारकबाद, पहली टीम सेकंड राउंड में पहुंचने वाली।